हैप्पी होली एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पीनेस जार। और आज होली के अवसर पर मैं कलरफुल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए एक वाइट चॉकलेट बार। मैंने जब ख़रीदा तब ये वाइट चॉकलेट ही लिखा हुआ था, पर जब ओपन किया तो थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है ये। इसको अब हम कट कर लेंगे नाइफ की हेल्प से। अब हम एक बोल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे और इसको मेल्ट करना है इस चॉकलेट को हमें। तो मैंने पहले से ही गैस पे एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो इस बोल को हम उस कढ़ाई में रख देंगे तो ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा फिर चॉकलेट। इसी में मैंने एक टेबलस्पून बटर भी डाला, तो इसकी हेल्प से ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये 15-20 मिनट में मेल्ट हो गया चॉकलेट। उसके बाद ये जेम्स है, तो इसको मुझे कलरफुल लुक देना था इसलिए मैंने इस पर मैं जेम्स रख दूँगी। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे खुश हो जाएंगे कलरफुल जेम्स देख के। मेरे पास एक बटर पेपर है, ये मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो मैंने जो कुकीज़ वाले मोल्ड है वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास सिलिकॉन मोल्ड होगा तो वो यूज़ करके आप बना सकते हैं ये चॉकलेट। अब मैं थोड़ा सा घी लेके इसको ग्रीस कर रही हूँ तो ये आसानी से निकल जाएगा। फिर अब हम जो मेल्ट किया हुआ व्हाइट चॉकलेट है इस मोल्ड में डाल देंगे। और फिर उसके ऊपर हम डेकोरेशन के लिए जेम्स लगा देंगे। और मेरे पास कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स भी है, मैं वो भी यूज़ करने जा रही हूँ। ऐसे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ऐसा कलरफुल चॉकलेट्स देख के, और होली के लिए ये बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे मैं स्प्रिंकल का भी यूज़ कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर अगर आपको पसंद हो तो यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे बटर पेपर के ऊपर जस्ट मेल्टेड चॉकलेट डाल रही हूँ। ये चॉकलेट कॉइन की तरह दिखेगा और इसको भी हम जेम से डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इसको फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख देंगे तो ये फ्रीज हो जाएंगे। और 1 घंटे बाद ये फ्रीज में से जब मैंने निकाला तो ये कलरफुल चॉकलेट बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी है ये।
फिर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।